अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो ये इस वीडियो में मैं आपको MT4 यूज़ करना बताऊंगा। रात की क्लास में काफ़ी लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो सबसे पहले हमने देखना है कि MT4 हमने डाउनलोड कहाँ से करना है। ठीक है, हम xmglobal.com की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से इसके ऊपर जाके, तो ये देखें फ्रंट के होम ट्रेडिंग और थर्ड नंबर पे आ रहा है प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें कि ये PC के लिए, ये मैक के लिए MT4 और ये MT5, जो भी आपने डाउनलोड करना है MT4 या MT5। तो आप PC या मैकबुक है आपके पास, जिसके लिए भी आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आप वहाँ से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं MT4 के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने बताया था कि मेन मेन्यू, ठीक है, मेन्यू बार, ठीक है, जो ये सबसे ऊपर आ रही है जहाँ पे फाइल व्यू इंसर्ट चार्ट वगैरह लिखा हुआ है, विंडो हेल्प, तो ये इसे कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार में क्या है कि ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, न्यू चार्ट ओपन, ठीक है, ओपन डिलीटेड, और इसमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ओपन डाटा फोल्डर। ठीक है, ओपन डाटा फोल्डर जो हम कस्टम इंडिकेटर, इसमें पहले से भी जो है इंडिकेटर इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, और कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं कि जो हमें खुद इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो वो हम ओपन डाटा फोल्डर पे जाके कर सकते हैं। वो जब हम फ्यूचर में करेंगे तो वो उसके ऊपर एक सेपरेट आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो व्यू इंसर्ट चार्ट वगैरह, इसमें जो भी ऑप्शन शो हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे आइकॉन बार में मिल जाएंगे शॉर्टकट की सूरत में। ठीक है, तो जो जो हमारे काम के हैं, तो बाकी हमें यहाँ पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी हमें ये बताना चाहिए ये मेन्यू बार है, ये आइकॉन बार है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें यहाँ पे है सैम्पल्स, जो जो हमारा हमने सैम्पल्स यहाँ पे जो पेयर्स हैं जिनके ऊपर हमने ट्रेडिंग करनी है, वो सैम्पल्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे काम की क्या चीज़ है, मार्केट वॉच। ठीक है, मार्केट वॉच का ऑप्शन ये आ रहा है, ये इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे मार्केट वॉच का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। ये देखो, मैं क्लिक करूंगा, ये मार्केट वॉच का जो ऑप्शन आ रहा था ये खत्म हो गया, मैं फिर क्लिक करूंगा ये आ गया। मार्केट वॉच किसे कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे तमाम पेयर शो हो रहे होते हैं, इसमें हमने पेयर कैसे ऐड करने हैं, हम व्यू में जाएंगे, यहाँ पे सैम्पल्स, ठीक है, और ये शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया, ये यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जाएंगे, तो इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको इंडेक्सेस, कमोडिटीज, मेटल्स वगैरह हर चीज़ फॉरेक्स के पेयर यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। तो ये देखें जो जो वाइट है ना कलर, वो वहाँ पे हाइड है, यहाँ मार्केट वॉच में, ये मार्केट वॉच में ये पेयर नहीं है। जो जो ये येलो है गोल्डन कलर के हैं, ये यहाँ पे मार्केट वॉच में ऐड है। तो आपने कैसे ऐड करना है कि जो पेयर आप ऐड करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, वो येलो हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो मार्केट वॉच में जा चुका है। तो मैं यहाँ से क्लोज करूँगा, मैंने तो पहले काफ़ी सारे ऐड करके रखे हुए हैं, तो मैं एंड में चला जाऊँगा। ये देखें मैंने AUD USD का पेयर यहाँ से ऐड किया था, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसके बाद आगे हमारा आ जाता है नेविगेटर। नेविगेटर किस काम आता है, या यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें नेविगेटर जो मार्केट वॉच के बिल्कुल नीचे था वो गायब हो गया और अब आ गया। ठीक है, नेविगेटर में हमारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है अकाउंट की, जो हमने अकाउंट डेमो या रियल अकाउंट इसमें लॉगिन किया हुआ है, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा होता है। ये मैंने एक्सम ग्लोबल का सर्वर जो आ रहा है Real35 ओपन किया हुआ है अकाउंट, ठीक है, और ये मेरा अकाउंट नंबर है, नुमान जफर नाम आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ओपन किया, इसमें डिपॉजिट वगैरह नहीं है। ठीक है, और इंडिकेटर, इसमें इंडिकेटर की लिस्ट भी आ रही होती है, यानी कि जो जो इंडिकेटर्स हमने ऐड करने हैं, इसका हमें शॉर्टकट भी आइकॉन बार में मिल जाता है। ठीक है, तो बाकी आपको समझाने का मकसद ये है कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि हम ये कहाँ कहाँ से देख सकते हैं। जो एक्सपर्ट बार है ये हमारे अभी काम की नहीं है, जो जब हमारा काम आएगा इसके ऊपर तो फिर हम ये इसके बारे में भी आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टर्मिनल। ये देखें नेविगेटर बार, उसके आ गया टर्मिनल। टर्मिनल जो ये नीचे हमारा शो हो रहा है, ठीक है, ये जो पूरी बार शो हो रही है इसे टर्मिनल कहते हैं। ये किसके लिए, यहाँ पे जो हमारा अकाउंट बैलेंस होगा ये यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अगर हमने कोई ट्रेड ओपन की हुई है तो वो भी यहाँ पे हमें ओपन लॉस या प्रॉफिट शो करवा रही होगी। ठीक है, और SLTP जो हमने रखा होगा, किस प्राइस के ऊपर आपकी ट्रेड ओपन हुई है, कौन सा पेयर असेंबल जो यहाँ पे आ जाएगा, प्राइस कौन से के ऊपर आपकी ट्रेड ओपन हुई है, साइज क्या है आपका, टाइप क्या है, ठीक है, सेल या बाय, ठीक है, टाइम किसके ऊपर आपकी जो है वो ओपन हुई है। तो उसके बाद ये बाकी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमारे काम के एक ट्रेड वाला ऑप्शन और अकाउंट हिस्ट्री का। ठीक है, ये यानी कि ये अकाउंट हिस्ट्री में आएंगे तो यहाँ पे हम
अपने अकाउंट की हिस्ट्री देख सकते हैं, जो हमारी क्लोज ट्रेड्स होंगी, लॉस में क्लोज की, प्रॉफिट में क्लोज की, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, वो सारी हिस्ट्री हमें यहाँ पे शो करवाएगा। ठीक है, उसके बाद हम मेन्यू बार की तरफ आ जाते हैं कि हमने मार्केट वॉच, नेविगेटर और टर्मिनल के बारे में पढ़ लिया, जो इसके शॉर्टकट हमें यहाँ पे आइकन बार में मिल जाते हैं। उसके बाद ये है न्यू ऑर्डर। अगर हमने किसी भी पेयर में ऑर्डर ओपन करना है, ठीक है, तो हमने न्यू ऑर्डर के ऊपर जाना है, वो जिस पेयर के ऊपर ओपन करना है वो पेयर पहले ओपन करेंगे। जैसे मैंने यूरो यूएसडी ओपन किया हुआ था, तो मैं न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो मुझे मेरा सैंपल भी शो करवाएगा, आप किसमें ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने अपना लॉट साइज कैलकुलेट करना है, हमने अपने अकाउंट साइज के हवाले से, ठीक है, अकाउंट साइज के हवाले से यहाँ पे हमने अपना जो है लॉट साइज सेलेक्ट करना है। उसके ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट भी हम दे सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी इसमें सेल या बाय कर सकते हैं, और ये बाद में भी हम मैन्युअली ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये अभी इसमें कोई डेमो अकाउंट नहीं है मेरा, होता तो मैं आपको लगा के ये आपको क्लियर कर देता। तो बाकी मैं एक और एम्प्लीफायर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आप डेमो अकाउंट बना के उसके ऊपर आपको बता दूंगा कि मार्केट में हम SL और TP ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद किस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये भी हमारे इतने काम के नहीं है, ठीक है, आप ट्रेडिंग ये बोट वगैरह के लिए होते हैं। ये आगे आ जाता है चार्ट टाइप, यानी कि हम आपको रात पढ़ाया गया था कैंडल स्टिक चार्ट और बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बार चार्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बार चार्ट हमारे पास आ रहा है, और अगर आप कैंडल स्टिक के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कैंडल स्टिक चार्ट आ जाएगा हमारे पास, जो मोस्टली ये ही यूज होता है, ये बाकी चार्ट जो है वो बहुत कम यूज किए जाए, और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं चार्ट्स की, लेकिन MT4 में हमें तीन का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और ये लाइन चार्ट हमारे काम की नहीं है, ये बहुत ही कम ट्रेडर्स यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे हमें मिल जाता है जूम इन जूम आउट का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा चार्ट जो है जूम हो जाएगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा चार्ट जूम आउट हो जाएगा। तो इसका भी आगे हम जब एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। ठीक है, उसके आगे आ जाता है इंडिकेटर। मैंने आपको बताया था कि नेविगेटर में हमें इंडिकेटर के ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे हम शॉर्टकट की हमारा आइकॉन बार में इंडिकेटर हमने को लगाना है, ठीक है, तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी वो अब जब हम इंडिकेटर पढ़ेंगे तो वो आप यहाँ पे देख के लगाएंगे। पीरियड टाइम फ्रेम, ठीक है, ये टाइम फ्रेम यहाँ पे भी मिल जाएगा, बाकी मैनुअली ये यहाँ पे भी टाइम फ्रेम ऐड होता है। ठीक है, हमारे बिल्कुल शॉर्टकट की इसकी है। तो यहाँ पे है टेम्पलेट्स। ठीक है, टेम्पलेट्स से आप कैसे बना सकते हैं, आपने अपने चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने चले जाना है प्रॉपर्टीज में। ठीक है, एक मिनट में आपको न्यू चार्ट ओपन करके, ये देखिए यहाँ से हम न्यू चार्ट ओपन करेंगे, कोई भी सैम्पल है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, चार्ट विंडो के ऊपर आ जाएंगे, ये हमें ऐसा सरफेस देखने को मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो हमने इसका कलर चेंज करना है, इसका हमने पैटर्न चेंज करना है, तो हमने कहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करेंगे चार्ट के ऊपर, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कलर स्कीम बनी हुई होती है, ये देखिए कलर स्कीम ब्लैक ऑन वाइट, ग्रीन ऑन ब्लैक और येलो ऑन ब्लैक, तो ज़्यादातर जो लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसे ओके के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ, ये हमारा बार चार्ट से सिलेक्ट है, हम यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमने ये ग्रिड यहाँ से ख़त्म कर देना है। ठीक है, हमारा ये चार्ट वाइट एंड ग्रीन में, ब्लैक एंड वाइट में आ गया। ठीक है, तो हम मैं दोबारा प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, यहाँ पे ये देखें आप मैन्युअली भी अपने पसंद के कलर भी दे सकते हैं, कि अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है, कैंडल के कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप बैकग्राउंड कलर ये वाइट है यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे ब्लैक दे दें, जो भी आपका पसंदीदा कलर है वो दे सकते हैं। फॉरग्राउंड यानी कि ये जो डाटा आ रहा है हमारा, ये साइड पे प्राइस वगैरह और नीचे टाइम वगैरह, इसका कलर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बार अप और बार डाउन, बुल कैंडल और बेयर कैंडल, यानी कि कैंडल्स के आप कलर से सेलेक्ट कर सकते हैं। बार बार कलर यानी कि बार चार्ट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, उसका कलर आप कैंडल के लिए कौन सा रखना चाह रहे हैं, डाउन कैंडल के लिए कौन सा रखना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर जो मैंने आपको बताया कि कैंडल स्टिक पैटर्न ही यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ से आप बुल कैंडल और बेयर कैंडल यहाँ पे उनका चेंज कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, ये हमारा जो है बुल कैंडल है, बुल के लिए ग्रीन भी ज़्यादातर यूज़ होता है, मैं लाइम ग्रीन इसके लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और बेयर कैंडल के लिए रेड भी यूज़ होता है, मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो ये देखें मेरा यहाँ पे कलर इनका चेंज हो गया। ठीक है, आप इस तरह अपनी स्कीम कलर स्कीम भी बना सकते हैं, और अगर आप कहते हैं कि हर बार हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके मैनुअली ऐड ना करना पड़े, तो
तो आप सिंपली क्या करेंगे कि इस ऑप्शन के ऊपर आएंगे टेम्पलेट्स के ऊपर, और यहाँ पे सेव टेम्पलेट्स, ठीक है, सेव टेम्पलेट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपने जो ये जो आपने यहाँ पे कलर स्कीम बनाई है ना इसके बैकग्राउंड चार्ट के ऊपर, तो उसका नाम आप यहाँ पे लिख दें, यहाँ टेम्पलेट नेम मैंने रहने मैंने चेंज नहीं करता, सेव कर लेता हूँ। तो अब मैं यूरो यूएसडी का न्यू चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि वही स्कीम मुझे दोबारा मैनुअली ना बनानी पड़े, वैसे ही ऐड हो जाए, तो मैं टेम्पलेट्स के ऊपर जाऊँगा और ये देखें टेम्पलेट सेव किया, टेम्पलेट नेम मैंने इसे क्लिक किया तो वही कलर स्कीम सारी मेरी इसी चार्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी कलर स्कीम भी इसकी बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे ये कर्सर, माउस कर्सर है, ये कर्सर है, यहाँ पे हम मार्केट में इसे पिप्स वगैरह यानी कि एसएल और टीपी वगैरह भी देखने के लिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मार्केट कितना अप था कितना डाउन गई। ठीक है, इसके आगे भी हम और भी यूज़ हैं आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल, फिबोनाची, यानी कि ये टूल जो है ये आपको इन फ्यूचर हम जो एडवांस क्लासेस में पढ़ाएंगे वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, वहाँ पे हम ड्रा करके भी आपको बताएंगे। बाकी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे टूल मौजूद है। और यहाँ पे टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम हम यहाँ स्विच कर सकते हैं, ये M1 का मतलब है 1 मिनट, इसके ऊपर मैं होल्ड करके रखूँगा तो यहाँ पे ये विंडो आ जाएगी कि मुझे बता देगा कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसका मतलब ये है कि जो ये एक कैंडल बनी हुई है, इसमें जो ये एक कैंडल बनी हुई है ये 5 मिनट की है। ठीक है, जो अगली कैंडल बनेगी क्लोज होगी, ओपन हुई क्लोज हुई वो भी 5 मिनट की होगी। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट के ऊपर आएंगे तो इसी तरह वो एक कैंडल जो यहाँ पे होगी, ये जो जो जितनी कैंडल है ना एक एक कैंडल 15 मिनट की है, यानी कि 15 मिनट के बाद उसकी क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो M30 में आएंगे तो M30 की कैंडल आ जाएगी, H1, H4, तो इनका यूजेज भी हम आपको बताएंगे कि हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ट्रेडर्स हैं, टाइप्स हैं, हर कोई अपनी स्ट्रेटजी के लिहाज से अपने टाइम फ्रेम जो है वो देखता है। ठीक है, यूज़ करता है, यानी कि जो स्कैल्पर हैं वो ज़्यादातर लो टाइम फ्रेम में काम करते हैं, जो थोड़ा डे ट्रेडर होते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम के स्पोर्ट एनालिसिस लेवल वगैरह भी वो बड़े टाइम फ्रेम जो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो ग्रुप में सब लोग ऐड हैं, वहाँ पे पर्सनली इनबॉक्स में आके भी आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको क्लियर किया जाएगा। आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को इसकी समझ वैसे आ गई होगी जितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।